परम आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अरुण कुमार चेयर, प्रोफेसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रमोद जी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज मैं श्याम कार्तिक मिश्र आपके समक्ष वर्तमान वैश्विक संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की उपादेयता विषय पर अपना मत प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस विषय को अगर आप देखें तो ये अत्यंत महत्व का विषय है। इस दृष्टि से महत्व का विषय है कि एक तो वर्तमान वैश्विक संदर्भ लगातार विकास का प्रयास, लगातार विकास होता चला गया, उसके परिणाम स्वरूप अपने आप में कई कठिनाइयां और परेशानियां उपस्थित हुई। हमारे यहाँ अनेक विद्वान हुए, विचारक हुए, चिंतक हुए, जिन्होंने अपना मत दिया था कि नहीं, हमारी व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए और खासकर भारतीय विचारों पर, भारतीय जो चिंतन प्रणाली और पद्धति है, एक सनातन परंपरा है, उसके आधार पर भी कुछ हम विकास के बारे में सोच सकते थे और लोगों ने इस तरह का अपना विचार दिया था। आज उन्हीं सब चीज़ों पर, उन्हीं सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा विकास को लेकर विश्व के जो हमारा अनुभव रहा है वह कैसा रहा है और विश्व, पूरा विश्व कितना उससे लाभान्वित हुआ और क्या भारत कुछ उससे सीख सकता है, और अगर सीख नहीं सकता तो क्या विचार होना चाहिए, हमारी विकास की सारणी कैसी होनी चाहिए, जिस पर कि दीनदयाल जी ने अपना महत्वपूर्ण चिंतन प्रस्तुत किया था, विचार प्रस्तुत किया था और एक मार्गदर्शन किया था पूरे समाज का। अगर आप वैश्विक विकास का इतिहास देखें तो आपके समक्ष जो चित्र उभर कर आता है वह यह है कि प्रारंभ से, यानी सन एक से 1000 वर्ष तक वैश्विक आय में कोई वृद्धि लगभग नहीं हुई, वह आय लगभग स्थिर बनी रही। एक ये भी प्रश्न है कि ये डेटा आज से 2000 साल पहले की बात अगर हम करते हैं तो आंकड़ा कहां से उपलब्ध हुआ, तो आंकड़े की उपलब्धता को अगर आप देखें तो 2001 में एंगस मेडिसन ने एक पुस्तक वर्ल्ड इकोनॉमी करके OECD के माध्यम से, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित किया था और उसमें आज से 2000 साल पहले से लेकर विश्व के समस्त प्रमुख देशों के विकास का जो क्रम रहा है, जो स्थिति रही है और 2000 वर्ष तक के, यानी सन 2000 तक की स्थिति का उन्होंने विधिवत विवेचन किया है। और इस तरह से वैश्विक आर्थिक विकास की चर्चा, विवेचन और विश्लेषण बिना एंगस मेडिसन के विचार को शामिल किए हुए कोई आधार दूसरा बनता नहीं है। तो वो जो कुछ अपने अध्ययन में जो कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं उसको ही आधार बनाकर मैं अपनी बात कह रहा हूं कि वर्ष 1000 के बीच वैश्विक आय स्थिर रही,
1.1 गुना बढ़ी। अगर आप 1000 से लेकर 1700 वर्ष 1700 तक वैश्विक आय को देखें तो उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई, और 1700 के बाद के 300 वर्षों में अगर आप विश्व की आय को देखें तो वह 100 गुना बढ़ी। यानी वास्तव में वर्तमान वैश्विक विकास जो हुआ वह 300 वर्षों के इतिहास का ही विवेचन है। वर्ष 1700 से 2000 के बीच अगर आप जनसंख्या को देखें तो 60 करोड़ जनसंख्या 1700 में थी विश्व की, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6 अरब हो गई। यानी जनसंख्या मात्र 10 गुना बढ़ी, जबकि वैश्विक आय में जो वृद्धि हुई वो 100 गुना वृद्धि हुई। इसका मतलब कि 1700 से 2000 का जो वर्ष रहा वह वास्तव में आधुनिक विश्व के विकास का साक्षी है और अत्यंत तीव्र गति से होने वाली विकास का साक्षी है। लेकिन इसको भी अगर आप दो भागों में बांट कर देखें, जैसे 1700 से 1950 के बीच 250 वर्षों में जो वैश्विक आय बढ़ी उसको देखें तो 250 वर्षों में विश्व की आय 14 गुना बढ़ी, और 1950 से 2000 के बीच 50 वर्षों में विश्व की आय 7 गुना बढ़ी। यानी 250 वर्षों में जो आय बढ़ी, अगर उसके आप प्रकृति को देखें कि कैसे बढ़ी, हम लोग पढ़ते भी हैं, वास्तव में वही समय था जबकि यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद जो विज्ञान का विकास हुआ, जो वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, जो तर्क आधारित तथ्य परक चिंतन का विकास हुआ उसका परिणाम रहा। लेकिन 1950 के बाद जब तमाम विश्व के देश स्वतंत्र हो गए थे, उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए थे, अगर उसके बीच 50 वर्षों का अनुभव देखें तो 7 गुना वृद्धि हुई सिर्फ 50 वर्षों में। निश्चित रूप से यह इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि जब स्वतंत्रता मिली या जब भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है किसी देश को, राष्ट्र को, तो उसका विकास तेजी से होता है। इससे एक बात तो कही जा सकती है। जो विकास का यह क्रम रहा 1700 से लेकर पूंजीवाद से शुरू हुआ, उपनिवेशवाद के सहारे साम्राज्यवाद का मदद लेते हुए, वह अंत में जो तमाम विषमताएं अवशोषण आदि उभर कर आए उसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का सहारा लिया गया, और विविध स्वरूपों में समाजवाद भी आया, देशों में चर्चा का विषय रहा, तो इसके सहारे विश्व में आर्थिक विकास हुआ। अगर आप 1890 की एक स्थिति को देखें तो फ्रेडरिक एंजल, जो कि मार्क्स के सहायक रहे चिंतन में, लेखन में, अपने सोच में, वो पूंजीवादी समाज के विकास को देखते हुए उन्होंने कहा कि मानवता के लिए कोई प्रकाश न दे पा सकने के कारण यूरोपीय अर्थशास्त्र विद्रुप होता जा रहा है, और मानवीय दर्शन का प्रथम संगीत अब भी विकासशील देश ही बजा सकते हैं। यानी एक विकासशील देशों की जो अपनी चिंतन रही, जो सोच रही, जो परंपरा रही, उसको उन्होंने सराहा। ये अलग बात है कि फिर जाके वो जिस विचार के साथ खड़े हुए, जुड़े, वो भी यूरोपीय अर्थशास्त्र और आर्थिक चिंतन का ही एक विषय रहा, एक अंग रहा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कम से कम पूंजीवाद के माध्यम से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते और न तो मानवता को कोई प्रकाश दे सकते हैं। 1970 के दशक से तो क्रांतिकारी परिवर्तन इस विचार में होने लगा, और गलब्रेथ, रॉबिन्सन, सैमुएलसन के अगर विचारों को आप देखें तो इन लोगों ने पश्चिम के आर्थिक सिद्धांत पर प्रश्न खड़ा किया। रॉबिन्सन
जो 1954 में भारत सरकार द्वारा आमंत्रित थीं और यहाँ आकर उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा बनी थी उसको उन्होंने सहमति दी और कहा कि नहीं, इस ये भारत के लिए उपयुक्त व्यवस्था है, मॉडल है। वही 1970 के दशक में आके कहती है कि पश्चिमी देशों में पढ़ाया गया अर्थशास्त्र संसार का हित कम और अहित अधिक किया है। तो ये धीरे धीरे विश्व का तेजी से विकास हुआ, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर उससे विविध देशों को, मानवता को, आम लोगों को जो राहत मिली, जो कुछ अपेक्षित थी और जो वास्तव में प्राप्त हुई, उसके बीच काफ़ी अंतर था। और आज वर्तमान वैश्विक परिवेश में कोरोना महामारी जो आई है वह पश्चिमी देशों के शक्ति और समृद्धि के खोखलेपन को सिद्ध कर दिया है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली देश, राष्ट्र आज हाथ खड़ा किए हुए है। यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर ले आया जाए। और ये कहा जा रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था को कोरोना के कारण लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की क्षति होगी। तो निश्चित रूप से हमने जो विकास का मॉडल तय किया, विकास का रास्ता देखा, और खासकर जो पश्चिमी विकास का रास्ता था और जिस पर आज हम सब लोग चल भी रहे हैं किसी न किसी रूप में, उसको अगर आप देखें तो वह एक छोटे से अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त होने वाले छोटे से झटके को भी सहन करने की स्थिति में नहीं है और उससे उबरने में इतनी असुविधा हो रही है, इतनी कठिनाई हो रही है। और जो अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं कि माइग्रेंट्स फंसे हुए हैं, प्रवासी फंसे हुए हैं, उनकी संख्या लाखों में है, एक एक शहर में लाखों में है, कुल मिला के करोड़ों में संख्या है उनकी। उनका क्या निदान होगा, उनको कैसे पुनर्स्थापन उनका किया जाएगा और उनके रोजी रोटी की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए भी हमारे उस जो हमारे विकास का अनुभव रहा है उसमें कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज फिर हम वहीं आते हैं कि मनुष्य एवं मानवीय मूल्य ही समाज विज्ञान अध्ययन के केंद्र में होना चाहिए और भारतीय दर्शन आधारित सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम का भाव संसार ही भावी विकास का मार्गदर्शन कर सकता है। अब पश्चिम में जो विकास हुए उस पर कुछ यक्ष प्रश्न खड़े होते हैं। मान लीजिए पश्चिम ने विकास किया, उसमें उसके योगदान को नकारा भी नहीं जा सकता है। नकारा इसलिए नहीं जा सकता है कि विश्व के भूख को दूर करने की व्यवस्था उसी अर्थशास्त्र के माध्यम से हुई। तमाम लोग जो कहते हैं कि विश्व की स्थिति जैसी थी, अगर उसको आप देखें, मतलब 1700 के पहले और बाद की स्थिति को आप देखें तो काफ़ी अंतर है, और मानव जीवन को उससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हुआ है, उनका जीवन स्तर तो विज्ञान ने तो दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम पश्चिमी विज्ञान को ही अपनाने के बजाय पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने में ज़्यादा रुचि लेने लगे और अपनाए भी, समस्याएं शायद उससे ज़्यादा खड़ी हुई हैं। अब ये जो यक्ष प्रश्न है, अगर हम यह भी मान लें कि पश्चिम का विकास ठीक है, बहुत योगदान है, तो उन प्रश्नों का जवाब हमें देना पड़ेगा। जैसे क्या पश्चिमी विकास मॉडल भारत के लिए उपयुक्त है? इसको अगर आप देखें इस प्रश्न को, तो हमें इस रूप में इसको देखना चाहिए कि हर देश की अपनी भौगोलिक स्थिति होती है जिसमें उसके भूमि की उर्वरता, जलवायु, इसके अलावा उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, इन सब के आधार पर उसके जीवन जीने का मार्ग निर्धारित होता है, उसके विचार निर्धारित होते हैं, जीने का संसाधन निर्धारित होता है, प्राप्त होता है, और ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अगर आप भारत को देखें तो एक भारत की विशिष्टता यह है कि भारत में अनादिकाल से विचार पहले आया
और संस्कृति बाद में आई। जैसे ये कहा जाता है कि भारत में चिंतन की, ऋषि मुनियों के द्वारा चिंतन की एक स्वस्थ परंपरा रही और उसके आधार पे विविध प्रकार के वाद उपस्थित हुए, विविध प्रकार के विचार उपस्थित हुए और उन सारे विचारों को सराहा, परीक्षण किया, उनको सराहा और उसके आधार पर जो उसमें आम लोगों के लिए और सबके लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था थी उसको हमने अपनाया भी और उसके आधार पर हमने अपनी संस्कृति, संस्कृत का मतलब कि उस भाव संसार से, उस संसार से, उस चिंतन संसार से निकला हुआ भाव, वो संस्कृति है। तो संस्कृति जो मिली वह विचार से उत्पन्न हुई संस्कृति है और उस संस्कृति को जब हम व्यवहार में लाए तो हमारी सभ्यता हुई। लेकिन अगर आप पश्चिम को देखें तो पश्चिम में चूंकि संसाधनों का नितांत अभाव था, वहां की जमीन अनुपजाऊ थी, प्रकृति असहिष्णु थी, ऐसी स्थिति में हमेशा उन्हें जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जीवन के इस संघर्ष ने उनको विचार करने का अवसर ही नहीं दिया और वो सीधे संस्कृति पर उतर आए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनके समक्ष जीने का संकट था, हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और प्रकृति से लड़ने के लिए मिलजुल कर लड़ रहे थे, दूसरे कबीले से लड़ने के लिए मिलजुल कर लड़ रहे थे, लेकिन अगर संसाधन और भी कम हो गया तो आपस में भी लड़ते रहते थे, व्यक्तिगत लड़ाई भी होती रहती थी। तो उस संघर्ष से ही उनका विकास हुआ, इसलिए संस्कृति वहां पहले पैदा हुई कि लूटने की संस्कृति और इस तरह के आक्रामक संस्कृति वहां पैदा हुई। वहां के जो वहां की जो भौगोलिक स्थिति थी, जलवायु थी, संसाधन थे, उसके परिणाम स्वरूप। तो चूंकि हमारे विचार, संस्कृति आदि सब कैसे उत्पन्न हुए उसमें ही भिन्नता रही, इसलिए पश्चिमी विकास मॉडल चूंकि उनकी संस्कृति के अनुकूल रही, इसलिए जो कि हमसे पूरी तरह से भिन्न है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, या वो अगर हम स्वीकार कर भी नहीं सकते, अगर स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए फलदायी नहीं होगी, उपयुक्त नहीं होगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न कि क्या आज पश्चिमी विकास मॉडल विकासशील देशों के लिए संभव भी है। अगर इसको आप देखें तो पश्चिम का जो पूरा विकास हुआ वह दूसरे देशों के संसाधनों के लूट पर आधारित है। क्या उस तरह की व्यवस्था संभव है? अगर आप देखें तो ये विश्व के धनी देश, चाहे यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, ये 20% जनसंख्या वाले देश विश्व के 80% संसाधनों का उपभोग करते हैं और 50% भू स्वामित्व उनके पास है और वैश्विक आय में उनका हिस्सा 85% है। एक समय था जबकि इस तरह का संभव था, ये व्यवस्था उस तरह की थी, लूटमार संभव हो पाता था, लेकिन आज के विश्व में उस तरह और उस रूप में चूंकि संसाधनों का प्राप्त होना किसी देश के विकास के लिए संभव नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, आज के विकासशील देश उस मॉडल को अपनाकर अपना विकास करने की सोच भी सकते हैं। और यही नहीं, अगर उन देशों की उत्पादन लागत को हम देखें तो एक इकाई के उत्पादन पर जो अमेरिका में खर्च होता है, वह तेल जो खर्च होता है वो भारत से 16 गुना अधिक है। तो जो देश संसाधन की कमी से, अभाव से गुजर रहे हों, उनके लिए ऐसे मॉडल का उपयोग करना असंभव है या पूरी तरह से अनुपयुक्त है। दूसरी बात, अगर आप अमेरिका द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको आप देखें तो आज अमेरिका विश्व के 22% क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन अकेले करता है। तो निश्चित रूप से आज उसकी भी छूट, और अमेरिका चूंकि आज विश्व का शक्तिशाली देश है इसलिए
चाहे जिस समझौते को करा लेता है, चाहे जिस समझौते में अपनी टांग अड़ा लेता है, इसलिए ऐसी स्थिति में वह उसके लिए तो संभव हो सकता है, विश्व के विकासशील देशों के लिए संभव नहीं ही है। तीसरी बात यह है कि क्या सुख और समृद्धि एक ही है? विकास जो विकसित देश रहे, विकसित देशों ने सब कुछ समृद्धि के लिए किया, यानी अपने भौतिक जीवन में कितनी ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग हो सके उसका उन्होंने प्रयास किया, अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक उपभोग, और उसके आधार पर उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति रही। लेकिन उससे क्या वे सुखी हैं? निश्चित रूप से वहां के समाज को अगर आप देखें तो आपको स्वयं महसूस होगा कि इस तरह का उनके यहाँ सुख का अभाव तो ही है। जैसे कि समृद्धि के बावजूद सामाजिक जीवन की बढ़ती जटिलताओं को देखें और विद्रूपताओं को देखें, जैसे अमेरिकी नागरिक प्रतिदिन अपने वजन के बराबर सामान का उपभोग करता है, 13 वर्ष से कम आयु का बच्चा प्रतिवर्ष $230 जेब खर्च के रूप में प्रयोग करता है, जो विश्व के अनेक देशों के प्रति व्यक्ति GDP से भी अधिक है। किंतु तो समृद्धि तो है, किंतु अमेरिका विश्व का सर्वाधिक अपराध पीड़ित देश भी है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर प्रतिवर्ष 8 हत्याएं होती हैं, 118 बलात्कार, 234 नशीली दवाओं से जुड़े अपराध होते हैं, 426 लोगों को जेल जाने की संभावना बनी रहती है, प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक आत्महत्या के प्रयास होते हैं, 10 लाख विद्यार्थी भावनात्मक समस्याओं के कारण विद्यालय छोड़ देते हैं, और 80 लाख किशोर वय सप्ताह में एक बार अवश्य रूप से मद्यपान करते हैं, और 1985 से 92 के बीच अगर आप देखें तो 52% जो जन्म हुए वो बच्चों के, वे जन्म विवाहेतर संबंधों से हुए थे। तो अब उनकी भी समस्या होंगी आगे चलकर, उनके समस्याओं का निराकरण समाज कैसे बन पाएगा, समाज कैसे चल पाएगा? तो समृद्धि के बावजूद सामाजिक जीवन की जटिलताएं बढ़ती रहीं और उसमें विद्रूपताएं पैदा होती रहीं। इसका क्यों वो समृद्धि के ही पीछे रहे? उसका स्पष्ट कारण है, क्योंकि उनके विचार में साधन और साध्य के बीच अंतर नहीं रहा। उनके जीवन का साध्य ही अधिक से अधिक उपभोग हो गया, कैसे विलासी जीवन जिए, और उसी को सुख मानकर, उसी को साध्य मानकर वो अपना जीवन यापन करते रहे, अपनी जिंदगी, अपनी जीवन शैली बनाए। लेकिन वास्तव में वो तो साधन है, साधन स्वयं कभी साध्य नहीं हो सकता। वस्तुएं, उत्पादन, ये सब शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, इन सब के लिए साधन है। लेकिन अगर वही मानव जीवन का साध्य हो जाए तो निश्चित रूप से मानव अपूर्ण रहेगा, मानव पूर्ण मानव नहीं कहा जा सकेगा। अगला प्रश्न ये है कि क्या पश्चिमी विकास मॉडल समावेशी हो सकता है? समावेशी का मतलब ये है कि क्या इससे हर व्यक्ति का ध्यान रखा जा सकता है, हर व्यक्ति को जो विकास हो रहा है उसका लाभ मिल सकता है, विकास में सब लोग समावेशित किए जा सकते हैं? दो चीजें हैं। एक, अगर आप बाजार व्यवस्था देखें तो बाजार व्यवस्था क्रय शक्ति पर आधारित है। बाजार का वही भाग, वही व्यक्ति हिस्सा बनेगा जिसके पास क्रय शक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति बेरोजगार है, गरीब है, बीमार है, वृद्ध है, अशक्त है, उनकी क्या व्यवस्था होगी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे लोग उपेक्षित रह जाएंगे, वो समावेशी नहीं हो सकते, विकास में हिस्सेदार नहीं हो सकते। और दूसरी बात, अगर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो राज्य उन संसाधनों का जो देश में उपलब्ध है, जो लोगों के श्रम से प्राप्त होता है, उसका उपयोग राज्य अपने को शक्तिशाली बनाने में करता है, और परिणाम स्वरूप आम लोगों के लिए, आम लोगों के हित के लिए बहुत संसाधन उपलब्ध नहीं रह पाते। अमर्त्य सेन ने ह्यूमन कैपेबिलिटी
एनहांसमेंट की बात किया, उसकी वृद्धि की बात किया, लेकिन वो भी उन्होंने राज्य द्वारा ही वेलफेयर स्टेट के माध्यम से ही संभव माना। भारत में राज्य की भूमिका जो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी इस तरह से नहीं रही, और सब कुछ राज्य ही करेगा ऐसा नहीं रहा। तो वो पश्चिमी विकास का यह मॉडल, चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो या साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था हो, वह समावेशी नहीं हो सकता। एक और चीज की, क्या पश्चिमी विकास संपोषी होगा? संपोषी का मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों के अवशोषण पर आधारित पर्यावरणीय संकट के कारण यह संपोषी नहीं हो सकता विकास, क्योंकि विकास का अर्थ ही प्रकृति पर विजय है इस विचारधारा के अनुसार। इसलिए प्रकृति का अनियंत्रित अवशोषण उनके लिए कोई अजीब बात नहीं है, वो उनका अधिकार है और नियंत्रण वो करते रहे हैं, इसलिए पर्यावरणीय संकट भी हुआ। और दूसरी बात कि जिसको, चूंकि निजी संपत्ति की पूरी स्वतंत्रता रही, इसलिए समाज भी विषमता युक्त हो गया, और माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है उसके पास ही सब कुछ पाने का अधिकार भी होगा। ऐसी व्यवस्था के कारण वो संपोषी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में फिर संघर्ष होगा, समाज में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा होगा, और इसके वजह से समाज, वह समाज बहुत दिन तक नहीं चल सकेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1998 में जो प्रकाशित हुई, उसमें कहा गया इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जो विकास हुआ है वह रोजगार विहीन विकास है, निस्सुर विकास है, मूक विकास है, जड़हीन विकास या संस्कारहीन विकास है, और इसका कोई भविष्य भी नहीं है, यह भविष्यहीन विकास भी है। पश्चिमी विकास मॉडल की मूलभूत त्रुटियां क्या रही, इसको अगर हम देखें तो एक तो यह त्रुटि रही कि पश्चिमी विकास मॉडल में मान लिया गया कि सामाजिक रूपांतरण और राष्ट्रीय विकास केवल या तो सरकार द्वारा अथवा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा ही संभव है, जो कि नितांत गलत विचार है। क्योंकि 50 के दशक में अगर आप देखें तो पूंजीवादी साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विस्तृत, इतना विकसित हो गया था, इतना संपन्न हो गए थे पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश, यूरोपीय देश। लेकिन आज क्या स्थिति है, उन देशों को देखें अगर आप, सिकुड़ गए हैं। इसी तरह से 70 का जो दशक था उसमें अगर आप देखें तो विश्व की आधी जनसंख्या साम्यवादी देशों में रहने लगी थी। साम्यवाद का इतना तेजी से, उसका आकर्षण इतनी तेजी से बढ़ा था लोगों के अंतर्गत, जो 25 वर्षों में रूस ने वो सब विकास हासिल कर लिया जो पश्चिम के देश 100 वर्षों में प्राप्त कर पाए थे। उसने विश्व को इतना आकर्षित किया, भारत भी आकर्षण का एक केंद्र रहा उसके, कि विश्व की आधी जनसंख्या 70 के दशक में इन साम्यवादी देशों में या समाजवादी देशों में रहने लगी थी। लेकिन उसका देखिए जो केंद्र था वो केंद्र ही समाप्त हो गया। दूसरी बात ये कि पश्चिमी विचार और अवधारणाएं प्रतिक्रिया में जन्मी है, वो कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए कभी वो टिकी नहीं व्यवस्थाएं। जैसे ईश्वरवाद की, थियोक्रेसी की प्रतिक्रिया में व्यक्तिवाद आया, जैसे लोकतंत्र का उदय हुआ, किंतु लोकतंत्र के साथ राजशाही के कारण अवशोषण होने लगा। राजशाही के विरोध में पूंजीवाद आया, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन पूंजीवादी अवशोषण की प्रतिक्रिया में फिर साम्यवाद आ गया, समाजवाद आ गया, और इसमें सरकारीकरण जनित भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपार हनन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आज वहां भी लोग त्रस्त हैं उस व्यवस्था से और चाह रहे हैं कि कोई और दूसरी व्यवस्था प्राप्त हो। तीसरी बात, पश्चिमी विश्व को अगर आप देखें तो पश्चिमी विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू, खंडित, असंबद्ध एवं अप्रासंगिक है। जैसे अगर मनुष्य के बारे में ही अगर विचार करें तो जब
पश्चिम का विचारक, आर्थिक विचारक, आर्थिक सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, आर्थिक मॉडल बनाता है, तो उसकी पहली मान्यता यही होती है कि मानव आर्थिक मानव है। मानव केवल आर्थिक मानव नहीं हो सकता, जब वो सामाजिक राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है तो उसको सामाजिक मानव, कभी राजनीतिक मानव मान लेता है, तो वह व्यक्ति के एक हिस्से को, व्यक्ति के जीवन के एक हिस्से पर ही पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए ही अपनी सारी विश्लेषण प्रस्तुत करता है और परिणाम स्वरूप समग्र मानव का वह विश्लेषण विवेचन नहीं कर पाता है। इसी तरह से ये मानता है कि व्यक्ति और समाज का यांत्रिक संबंध है और वो असंबद्ध है। व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध है, समाज का गठन सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार हुआ, ऐसा मानते हैं पश्चिम में, कि हमको समाज की जरूरत थी इसलिए हमने समाज बना लिया, व्यक्ति ने समाज बनाया और जब जरूरत नहीं होगी तो उसको हटा देगा, उसकी जरूरत क्या है फिर। और दूसरी तरफ अगर आप साम्यवादी विचारकों को देखें तो वहां पर क्या है कि व्यक्ति उस सामाजिक मशीन का एकमात्र पुर्जा है, जैसा सामाजिक मशीन राज्य के रूप में जो व्यक्त है, राज्य के प्रतिनिधि, सामाजिक समाज का प्रतिनिधित्व राज्य करता है, इसलिए उस सामाजिक मशीन का व्यक्ति एक पुर्जा है, जैसा चाहेगा वह उसको उस तरह से चलाएगा। तीसरी बात है, इसी तरह से व्यक्ति समाज प्रकृति में कोई संबंध नहीं है और राष्ट्र भी उससे संबद्ध नहीं है, सबके लिए, इसलिए व्यक्ति के लिए अलग नीति की जरूरत है, समाज के लिए अलग नीति की जरूरत है, प्रकृति को संचालित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए अलग नीति की जरूरत है और राष्ट्र को चलाते रहने के लिए, राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए और विकास के लिए अलग नीति की जरूरत है, उनके बीच कोई संबंध नहीं है, ऐसा पश्चिमी विचार मानता है। इसकी वजह से ये विचार अप्रासंगिक है। अगर आप देखें, ध्यान दें, तो आपको खुद लगेगा कि भाई व्यक्ति समाज से ही प्राप्त करता है सब कुछ, वो कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सब कुछ समाज से प्राप्त करता है, समाज उसको शिक्षा देता है और उसके बदले व्यक्ति जब कुछ जानकार होता है तो वह अपने कर्म से उसको उस दिए हुए शिक्षा का प्रतिफल देता है। फिर समाज उस प्रतिफल के बल के बदले उसको उसके योगक्षेम की व्यवस्था करता है और फिर उस योगक्षेम के बदले, समाज द्वारा प्रदत्त उस योगक्षेम के बदले व्यक्ति फिर यज्ञ करता है, यानी समाज के लिए वह अपने निजी हितों का त्याग करके समाज को सशक्त बनाता है, समाज को अच्छी स्थिति में ले आता है, रखता है। तो ये जो पश्चिमी विश्व दृष्टि खंडित और असंबद्ध और अप्रासंगिक है, इसकी वजह से भी पश्चिमी विकास मॉडल त्रुटि पूर्ण हुए। इसके अलावा अगर आप देखें तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वहां पर संघर्ष एवं लूट पर आधारित व्यवस्थाएं बनी और इसके लिए कैसे इसको विविध रूपों में बनाए रखा जाए, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से सिद्धांत के द्वारा, तमाम समझौतों के द्वारा इसको सुनिश्चित किया गया। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक देश दूसरे देश का अवशोषण कर सकता है, इसको सैद्धांतिक स्वीकार्यता प्राप्त है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, अगर आप बाजार को देखें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अवशोषण ही तो करता है। अगर आप जो तमाम देशों के बीच भूमंडलीकरण के माध्यम से समझौता होते हैं, वो भी तो जो पश्चिमी सशक्त देश हैं, विकसित देश, शक्तिशाली देश हैं, वो इन विकासशील देशों के बाजार पर कब्जा करने के लिए ही तो विविध प्रकार के समझौता करते हैं। आज चीन भी जिस तरह से दूसरे देशों में जाता है, दूसरे देशों से समझौता करता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो चूंकि
व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संघर्ष और लूट पर आधारित ये व्यवस्थाएं थी, इसलिए स्वीकार्य मॉडल नहीं हो सकते। और तब भारत के विकास के तृतीय मार्ग का उद्भव होता है। और उस तृतीय मार्ग को आप देखें तो ये ऐसा कहा जाता है, जैसे अगर आप स्वामी विवेकानंद के विचार को देखें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत में अपने समय में 1893 में उन्होंने अपना शिकागो में भाषण दिया था, वो भारत के आम जनों के दुख और कष्ट से भरे हुए जीवन से इतने द्रवित थे कि वो चाहते थे कि कैसे इसे मुक्ति मिल सकती है। और फिर उनको ये महसूस हुआ कि जो पश्चिमी देशों का विज्ञान है, पश्चिमी देशों का जो विशिष्ट ज्ञान है भौतिक क्षेत्र में, उसमें वो शक्ति है कि भारत की उन समस्याओं का निराकरण कर सके। तो कहते थे कि क्या भारतीय धर्म दर्शन के आधार पर, भारतीय धर्म और दर्शन के आधार पर क्या तुम यूरोप जैसा कर्मठ वैज्ञानिक समाज बना सकते हो? और अगर बना सकते हैं और निश्चित रूप से ऐसा संभव है, उन्होंने कहा, तो ऐसा हमें करना चाहिए। तो एक तृतीय मार्ग का उद्भव हुआ जिसमें कि पश्चिम के ज्ञान विज्ञान, पश्चिम के आधुनिक ज्ञान, उनके विज्ञान, उनकी कर्मठता, उनके सतत प्रयासशीलता आदि गुण से हम अपने को परिपूर्ण करें, और साथ ही साथ हमारा जो अपना सनातन विचार है, सनातन दर्शन है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे उन दोनों को मिलाकर हम कोई व्यवस्था बनाएं, वह तृतीय मार्ग के रूप में, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हों, महर्षि अरविंद रहे हों, दादा भाई नौरोजी रहे हों, इसी तरह से अगर आप देखें तमाम लोगों ने अपने इस विचार को, मिश्रण करने के विचार को सामने रखा। और स्वतंत्रता के बाद पाश्चात्य एवं भारतीय विचारों के सम्मिश्रण होते श्रृंखला की नवीनतम कड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन है। एकात्म मानव दर्शन ही उनका मूल विचार है। एकात्म मानव दर्शन वह विचार है, यद्यपि उन्होंने अपने जीवन में शुरू से ही तमाम पत्र पत्रिकाओं में वो लिखते रहे, लेकिन 1965 में 22, 23, 24, 25 इन चार दिनों, अप्रैल के चार दिनों में उनका जो विशिष्ट व्याख्यान बम्बई में हुआ, उन विशिष्ट व्याख्यानों को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद कहा जाता है। एकात्म मानववाद के चारों जो विषय थे व्याख्यान के, वो अलग अलग थे। हम विशिष्ट रूप से यहाँ पर उनके चौथे भाषण की चर्चा करेंगे, जो कि उनके आर्थिक विचारों पर, कैसे भारत के लिए एक आर्थिक विचार, आर्थिक मॉडल दिया जा सकता है अपने भारतीय दर्शन पर आधारित होकर, उसकी उन्होंने व्याख्या किया था। और उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ समन्वित विकास है। समन्वित विकास का मतलब कि अगर पश्चिम को आप देखें तो पश्चिम ने सिर्फ शरीर के सुख के लिए सारी व्यवस्थाओं की ओर अपना ध्यान रखा, सारे सिद्धांत दिए, मॉडल दिए, वो सब भौतिक वस्तुओं के लिए, लेकिन व्यक्ति केवल शरीर तो नहीं है, उसको वास्तव में समग्र सामाजिक सुख की जो प्राप्ति होगी वह उसके मन बुद्धि, शरीर के अलावा मन बुद्धि और आत्मा, जब इन चारों की आवश्यकता और इन चारों की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, तभी एक समन्वित विकास हो पाएगा और समग्र सामाजिक सुख की प्राप्ति हो पाएगी। इसके लिए आवश्यक दर्शन, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य एवं सामाजिक मानवीय संबंधों की रचना करनी होगी। और उन्होंने कहा कि केवल धन का मनोविज्ञान हमारा मार्गदर्शक नहीं हो सकता है,
इसके लिए योग क्षेम की व्यवस्था होगी, करनी होगी। और योग क्षेम के अंतर्गत उन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, इन छों की, ये कौटिल्य ने भी कहा था इस बात को, जब इन छों की व्यवस्था होगी तब योग क्षेम हो पाएगा। तो एक विकास के समन्वित विकास का, विकास का अर्थ उन्होंने समन्वित विकास से लिया। दूसरी बात कि स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी ये कहा जाता है भारत में कि जिस स्थान की जो वनस्पति होती है वही वहाँ के रोगों की दवा भी होती है। इसलिए हमारी जो व्यवस्था है वो कृषि और ग्राम पर आधारित व्यवस्था रही है। और उन्होंने कहा कि हमको कृषि और ग्रामीण उद्योगों पर आधारित अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए और आयातित साधनों का उपयोग विशिष्ट परिस्थिति में ही हो, ऐसे सुनिश्चितता होनी चाहिए। इसके विपरीत हमने अपने मॉडल में अगर देखें आप, तो इसके विपरीत हमने आयातित साधनों का विशेष ध्यान दिया और उसको आयात प्रतिस्थापन की के आगे जब ज़्यादा व्यापार घाटा होने लगा और बहुत ज़्यादा डिफिसिट फाइनेंसिंग होने लगी तो हम फिर आयात प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने लगे। तो उन्होंने स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर आधारित व्यवस्था की। आज समय के साथ स्वावलंबन का भी अर्थ बदल गया है, लेकिन काफ़ी विस्तृत हो जाएगी चर्चा, इसलिए इसको मैं, स्वावलंबन का अर्थ यही कि हम अपने साधनों पर आधारित होकर और जो व्यक्ति की आवश्यक चीज़ें हैं, व्यक्ति के जीवन की अति आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी व्यवस्था अपने संसाधनों पर आधारित होकर करें। और उसमें यही नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1962 के युद्ध की स्थिति को देखें तो आपको स्वयं महसूस होगा कि किस तरह से हमें अपमान सहना पड़ा। तो वह स्थिति पुनः न आए। आज की जो स्थिति है उसमें कूटनीतिक रूप से हर देश को अपनी बढ़त सिद्ध करनी पड़ती है विश्व में। भारत ने इधर वो प्राप्त किया है, स्वावलंबन का वही अर्थ है, स्वावलंबन के अंतर्गत वही शामिल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने स्वदेशी एवं स्वावलंबन का विचार दिया कि इस पर आधारित हमारी व्यवस्था हो। फिर उन्होंने अर्थायाम की चर्चा किया। अर्थायाम के अंतर्गत ये कहा कि न अर्थ का अभाव हो न अर्थ का प्रभाव, यानी व्यक्ति और समाज दोनों पर, दोनों के लिए उन्होंने कहा कि अर्थ का न तो अभाव होना चाहिए न अर्थ का प्रभाव होना चाहिए। यानी जब अर्थ का अभाव होता है तब व्यक्ति को आदर्श पालन करने की अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती है। कहा जाता है कि भुभुक्षितम किम न करोति पापम और क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। जब आदमी उसके आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी अर्थ के अभाव की स्थिति में, उससे किसी अच्छे काम की, अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यही समाज के भी साथ है। और इसी तरह से अर्थ के प्रभाव की बात है, जब व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक उसको प्राप्त होने लगेगा तो वह विलासी जिंदगी जीने लगेगा, परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य निश्चित रूप से दुष्प्रभावित होगा और वह समाज को कोई योगदान देने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो न अर्थ का अभाव हो न अर्थ का प्रभाव हो, उसके लिए उन्होंने उपभोग उत्पादन वितरण में समन्वय की बात किया कि सीमित संयमित सदाचारी उपभोग रहे और विकेंद्रित उत्पादन हो, उपलब्ध विदेशी संसाधनों के उपयोग पर आधारित उत्पादन और छोटे छोटे उद्यमियों को लगाकर और छोटे टेक्नोलॉजी के आधार पर भारी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो भारी संख्या के उद्यमियों के माध्यम से भारी मात्रा में उत्पादन की व्यवस्था हो, ऐसा उन्होंने कहा। इससे लागत भी कम होगी और सबको रोजगार और सबके आय की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो पाएगी। वितरण में समानता की बात उन्होंने कहा कि उच्च और निम्न आय वर्ग के बीच, उन्होंने कहा प्रारंभ में तो उन्होंने कहा कि 1:10 का होना चाहिए, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने इसको 1:20 तक अनुमन्य मान लिया। लेकिन आज अगर आप देखें तो निम्न आय और उच्च आय वर्ग के बीच इतना बड़ा गैप हो गया है, अंतराल हो गया है कि यह तमाम बुराइयों का, तमाम विद्रूपताओं का की जड़ हो गई है। तो वितरण में समानता की बात उन्होंने कहा। भारतीय संस्कृति पर आधारित अर्थ संबंधी आम जनधारणा
इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ और काम की पूर्ति धर्म आधारित होना चाहिए, यानी हम वही अपेक्षा करें, इच्छा करें जो कि धर्म, जिसके लिए जो हमारे लिए उचित है, जो धर्मानुकूल है, और इसी तरह से अर्थ प्राप्ति भी उतना ही हम करें जिसकी हमारे लिए आवश्यकता है, और यही धर्म पर आधारित मूल्य होगा। और हमेशा त्याग का भाव होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक बात कहा कि समाज में जो व्यवस्था हो, जो जन्मा है वह खाएगा पर आधारित, के सोच पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कमाएगा वो खाएगा, जो जन्मा है वो खाएगा, हर को खाने का अधिकार है, और कमाने वाला खिलाएगा, जो काम करेगा वो खिलाएगा। लोगों के मन में आती है बात कि नहीं, अगर कमाने वाला ही खिलाएगा तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा अंतिम बात कि जो खाएगा वो कमाएगा। तो एक सबके, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था समाज कैसे करेगा, वह सोच सब में भरने की, वह संस्कृति सब में ले आने की, संस्कार ले आने की व्यवस्था उन्होंने कहा किया इसमें एकात्मानुवाद में। और सबको समाजोपयोगी संस्कार क्षम शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की भी बात उन्होंने कहा। और चूंकि शिक्षा समाज को जोड़ने वाली तथा आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए कोई शुल्क देना पड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वो इसके पक्ष में नहीं थे। उनका यह विचार था कि यह मुफ्त सुविधाएं, चूंकि आवश्यक और समाज के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, इसलिए यह राज्य द्वारा मुफ्त में प्रदान की जानी चाहिए, निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। फिर संपत्ति के स्वामित्व और आय के वितरण के भी संबंध में उन्होंने अपनी बात कहा कि उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था की तरह से नहीं, छोटी छोटी संपत्ति का स्वामित्व हो, और जिसके पास संपत्ति हो, जो संपत्ति का स्वामी हो, उसके पास न्यासी भाव होना चाहिए। वह संपत्ति का अपना, अपने को स्वामी न माने, बल्कि उसका न्यासी माने, ट्रस्टी माने, जो कि गांधी जी ने भी बात किया था, ट्रस्टीशिप की बात किया था। और फिर अर्थ विकृति से अर्थ संस्कृत की ओर जाने का आवश्यक संस्कार पैदा करके ही यह व्यवस्था हम प्रयोग में ला सकते। फिर उन्होंने विकेंद्रित स्वामित्व की बात किया कि न तो राज्य का संपत्ति पर स्वामित्व हो और न ही पूंजीपतियों के अधिकार में, के स्वामित्व में संपत्ति देश की हो जाए। देश के उपलब्ध साधनों के पूर्ण उपयोग द्वारा जन सामान्य के लिए आवश्यक उत्पादन किया जाए, और यह कार्य तभी हो सकता है जब समाज के स्वामित्व में, समाज के स्वामित्व, सरकार उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है, व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति उसका समाज का मानकर, अपने को उसका न्यासी मानकर अगर वह उसका उपयोग करता है तब ठीक रहेगी स्थिति। और फिर उन्होंने उद्योगों के लिए कहा कि अपरमात्रिक उद्योग होना चाहिए, यानी जो लोगों की आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे कि बचत हो और पूंजी निर्माण संभव हो सके और आगे विकास हो सके। भूस्वामित्व के लिए भी उन्होंने कहा कि भूस्वामी किसान आधारित कृषि हो, जिसकी जो खेती पर काम करता हो, खेती पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं वह श्रमिक के रूप में काम करता, जिसकी जीविका, जिसकी आजीविका कृषि पर आधारित हो, उस व्यक्ति के स्वामित्व में भूमि होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि प्रमुख लक्ष्य हर पेट को रोटी प्राप्त होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी की सुनिश्चितता होनी चाहिए। अब आप समझिए कि ये बात 1956 में कर रहे हैं, जब वो आर्थिक नीति, भारत की आर्थिक नीति की बात करते हैं 1956 में अपने लिखे हुए पुस्तक में, उसमें वो हर खेत को पानी की सुनिश्चितता की बात करते हैं, जिसका नाम है अदैव मातृका कृषि, जिसको उनके शब्दावली में अदैव मातृका कृषि।
फिर उन्होंने कहा कि हमेशा हमेशा से पहले नदियों को, तालाबों को, उन सब की व्यवस्था के द्वारा, उनकी सुनिश्चितता के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। आज अगर हमारी कृषि दैव आधारित है, वर्षा, मानसून के वर्षा पर आधारित है, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अपने मूल जो हमारा दायित्व था उससे पीछे हट गए, हमने वो उसका निर्वाह नहीं किया। फिर श्रम समस्याओं के निराकरण की भी उन्होंने श्रम समस्याओं के निराकरण की भी व्यवस्था उन्होंने बताया कि इसके लिए हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर हाथ को काम यानी बेरोजगारी न हो, और बेरोजगारी न होने के लिए उन्होंने कहा कि स्वरोजगार क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आज कोई भी देश सबको नौकरी नहीं दे सकता है, और दुर्भाग्य ये कि रोजगार में सिर्फ नौकरी करने वाले को ही माना जाता है, नौकरी करे या बड़ा व्यापार हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शिल्प कला एवं उद्यमिता भारत की विशेषता रही है, इसलिए अगर मौका दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने उद्यमिता का प्रयोग करके अपना रोजगार स्वयं सृजित कर सकता है, तो स्वरोजगार क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इससे शोषण की समस्या का भी निस्तारण होगा और पूर्ण रोजगार संभव हो सकेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पूरा मार्क्स का सिद्धांत थियरी ऑफ अलाइनेशन पर खड़ा है, परमात्म भाव कि जो श्रमिक होता है, चूंकि यंत्र भी मालिक का और जो कुछ उत्पादित करेगा वह भी मालिक का, पूंजीपति का, इसलिए कभी वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के साथ अपना लगाव, आत्मिक लगाव नहीं महसूस करता है, परात्म भाव सृजित हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भारत की वो समस्या नहीं है, इसलिए नहीं है कि परात्म भाव और सरप्लस वैल्यू, मूल्यातिरेक सरप्लस वैल्यू दोनों साथ साथ उन्होंने बताया था मार्क्स ने, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मूल्यातिरेक भारत की समस्या है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग खेती में काम करते हैं, जो खेत का मालिक है, छोटे खेत का मालिक है, वो किसानों, वो मजदूरों को लगाता है, लेकिन कभी कभी इतनी कम उत्पादन, प्रकृति के खिलाफ होने के कारण कभी कभी उत्पादन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता, और ऐसी स्थिति में श्रमिकों के अवशोषण का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि उनके श्रम को ही उनका अंश मान लिया जाए और उसके आधार पर उनका लाभ में हिस्सा निर्धारित हो। और अगली बात उन्होंने कहा कि मजदूरी का निर्धारण सामूहिक सौदेबाजी से नहीं बल्कि राष्ट्र हेतु कौन कितना योगदान करता है, राष्ट्र निर्माण में मजदूर का और पूंजीपति का दिए जाने वाले योगदान के अनुपात में ही मजदूरी का निर्धारण होना चाहिए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रस्तुत किया, एक सोच की नई दिशा उन्होंने दिया। और सातवीं चीज जो उन्होंने कहा वो धर्मराज्य की रचना की बात किया, धर्मराज्य की बात किया, जिसे गांधी जी कहते थे राम राज्य। धर्मराज्य का मतलब ध्री धातु से निर्मित धर्म का अर्थ है कि वे सभी नियम और व्यवस्थाएं जिससे समाज में सुव्यवस्था का धारण और पोषण हो सके, सबको सुखी जीवन दे सकने की क्षमता केवल धर्म और उस पर आधारित राज्य व्यवस्था में ही संभव है। इसलिए व्यक्ति व्यवहार समाज हित में हो, यह राज्य का दायित्व है। राज्य को चाहे उसके लिए दंड नीति का भी प्रयोग हो, करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार समाज के हित में हो ऐसा राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य अगर ऐसा करता है तो उसको धर्म राज्य माना जाएगा। तो भारत के स्व का साक्षात्कार किए बिना हम अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे। संस्कार, शिक्षा, लोकमत, परिष्कार व नियमन की लक्ष्मण रेखा है और मानवीय चेतना की श्रेष्ठता में विश्वास इसका स्तंभ है। इस
वैकल्पिक मॉडल से संबंधित कुछ भ्रांतियां एवं समाधान भी उसके लिए हैं। जैसे ये कहा गया कि विकास विरोधी है, क्योंकि जब छोटी छोटी माने बड़े यंत्रों का हम उपयोग नहीं करेंगे, अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी दृष्टि अगर ऐसी है, क्योंकि दो सह अगर आप देखें तो पिछले 1700 के बाद लगातार विकास के लिए ही प्रयास होता रहा, लेकिन कहाँ समस्याओं का समाधान हो पाया, समस्याएं तो उलझती चली गई। इसलिए अगर हम स्वावलंबन और विकेंद्रीकरण की नीति के आधार पर पढ़ेंगे तो विकास होगा। इसी तरह से कहा जाता है कि विकास विहीन और कुशल रोजगार सृजन होगा, यह भी बात सही नहीं है। हमारे पास लोगों में वह टैलेंट रहा है, जो हमारे उद्यमी रहे हैं, छोटे छोटे उद्यमी, कि वो अपने प्रयास से कुछ नया कर सकेंगे और रोजगार भी सृजित उनके लिए होगा। इसी तरह से कहा जाता है कि प्रेरणा विहीन व्यवस्था होगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर वह संस्कार दिया जाए कि वह त्याग हेतु भी प्रेरित होता है, तो निश्चित रूप से प्रेरणा उसको स्वतः प्राप्त होती होगी, होती रहेगी। इसी तरह से कहा जाता है विश्व विकास के इतिहास के विरुद्ध है। यह हो सकता है कि विश्व के विकास के इतिहास के विरुद्ध हो, लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो एक आज पूरा विश्व एक ऐसे मॉडल के तलाश में है जो कि उन विद्रूपताओं के, जो कि पूंजीवाद अथवा साम्यवाद समाजवाद के परिणाम स्वरूप जन्मे हैं, उनके उनसे उबरने के लिए मॉडल का के तलाश में है। हमको लगता है कि इस तरह का जो विचार दीनदयाल जी ने दिया है वह उस मॉडल के रूप में उभर कर आएगा, हम उसकी तरफ ध्यान दें तब। और ये कहा जाता है कि वैश्वीकरण का विरोधी है, ये नितांत त्रुटिपूर्ण विचार है, क्योंकि यह वैश्वीकरण का विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं। हमेशा से पूरे संसार को, किसी देश का रहने वाला हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, कभी उसको हमने अलग अपने से माना ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम कैसे वैश्वीकरण का, लेकिन आज का जो वैश्वीकरण है वो कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम वाला नहीं है, वह तो कैसे किस देश को अवशोषित किया जा सके, उसके बल पर अपने हित को साधा जा सके, तो ऐसे वैश्वीकरण के का विरोध तो होना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से जब हम ये कहते हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो उदार चरित वाले के लिए तो ऐसा वैश्वीकरण उसी रूप में तो शायद स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए ये सब जो लगाए जा रहे हैं दोष, या जो सोचा जाता है, वह उचित नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता दीनदयाल जी के विचार की प्रगतिशीलता और प्रदत्त वैकल्पिक विकास मार्ग की व्यावहारिकता में अटूट विश्वास उनके इस कथन से साबित होता है कि हम भारत को न तो पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न ही रूस और अमेरिका का नकलची देश। अतीत का गौरव, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन और भविष्य की महत्वाकांक्षा को लेकर चित्त के आलोक में विराट को जागृत कर राष्ट्र के नव निर्माण में हम सबको जुटना है। तो निश्चित रूप से कितने वो प्रगतिशील विचार के थे, उनको कोई इसमें दुराव नहीं था कि नहीं हम पश्चिमी विचार को नहीं लेना चाहते हैं, हमारे ही विचार के आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो। उनका ही कहना था कि नहीं, आप जो कुछ है, इसीलिए आगे वो कहते हैं कि जो विदेशी है उसको स्वदेशानुकूल बनाकर और जो पुरातन है उसको युगानुकूल बनाकर, अगर हम सारे का समावेश करते हुए, सारी व्यवस्थाओं का समावेश करते हुए एक अच्छी व्यवस्था निर्मित कर सकें, तो शायद यह सर्वसमावेशी, शाश्वत, व्यवहारिक एवं उपयोगी विचार होगा। असल में दीनदयाल जी अल्पायुता के कारण अपने विचारों को सूत्र वाक्य के रूप में ही समाज को प्रेषित कर पाए। इस दर्शन का सैद्धांतिकरण, आवश्यक शोध विधि का विकास तथा इस पर आधारित जमीनी स्तर पर नीति निर्माण कैसे हो और कैसे कार्यक्रमों को निर्मित और संचालित किया जाए, इस पर आज गहन एवं विस्तृत चिंतन और शोध की आवश्यकता है। आज अगर आप देखें, हमारे यहाँ तमाम विचारक हैं जो पिछले दशकों से इस प्रकार का विचार देने के लिए प्रयासरत हैं, जैसे
अगर आप देखें तो प्रोफेसर बी आर पंचमुखी, प्रोफेसर एडियन वाजपेयी, इन लोगों ने धर्म आधारित अर्थशास्त्र की बात रखा कि कैसे मतलब वो धर्म का समन्वय करते हुए हम एक अर्थशास्त्र विकसित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन सब विचारों को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मन की सामान्य गति अधोगामी होती है, इसलिए वह निम्न इंद्रिय भाव जन्य षड्विकारों के सहारे दैहिक सुख की ओर स्वतः प्रवाहित होता है और बुद्धि को भी अपने सहयोग हेतु साथ कर लेता है। इसी से प्रेरित पश्चिमी विकास के मॉडल निर्मित हुए हैं। कालांतर में उन्होंने आवश्यक मनोविज्ञान पर आधारित नियम बनाए और सिद्धांत बनाकर मॉडल को वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया। मन और बुद्धि को शरीर के अतिरिक्त आत्मा के साथ भी जोड़ने पर ही एकात्मता प्राप्त होती है, ये लोकमान्य तिलक ने भी कहा था कि मन केवल स्वार्थी नहीं होता, मन परमार्थी भी होता है, लेकिन उसको संस्कारित करने की आवश्यकता है। तो मन और बुद्धि को शरीर के अतिरिक्त आत्मा के साथ भी जोड़ने पर ही एकात्मता प्राप्त होती है। इस हेतु मन का ऊर्ध्व गतिमान होना आवश्यक है, जो सहज नहीं लगता। इसके लिए संस्कार और तदनुरूप शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता है, जो भारतीय सनातन दर्शन का अभिन्न अंग रहा है। इसके आधार पर हमने एकात्मानववाद जैसा उत्कृष्ट विचार तो दिया, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्री पश्चिमी प्रभाव में इसे कालबाह्य मानकर इस पर पर्याप्त शोध द्वारा इसे विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिकता और सैद्धांतिकता नहीं प्रदान की, जो आज परिहार्य हो गया है और यह जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें ले आना चाहिए। कैसे हम ले आ पाएंगे, आज हम सब लोगों के विचार का विषय है। दीनदयाल जी तथा अन्य राष्ट्रवादी चिंतकों के विचार सत्ता दल से पृथक होने के कारण इस विचार को पुष्पित पल्लवित होने का इस देश में केवल अवसर ही नहीं मिला, बल्कि सत्ताधारियों द्वारा सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए इसे लांछित और दुष्प्रचारित भी किया गया। बुद्धिजीवियों द्वारा इस विचार पर पर्याप्त चिंतन और शोध तो आवश्यक है ही। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में दीनदयाल जी का जीवन आदर्श तथा शहरी क्षेत्र एवं शिक्षित वर्ग में उनके विचार दर्शन को प्रचारित करने का देशव्यापी अभियान चलाने की आवश्यकता है और इसके लिए भी प्रभावकारी मॉडल निर्माण की आवश्यकता है, जिसे इन दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठों के माध्यम से हमें लगता है किया जा सकता है और करना भी चाहिए। तभी हम जिस पीठ से संबंधित हैं, जिस अध्ययन पीठ से संबंधित हैं, उसके प्रति न्याय कर पाएंगे और अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें इस उद्बोधन के लिए, इस व्याख्यान के लिए अवसर प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।